देखिए, ये मेरी तीसरी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग इस कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर आज थी, और इसमें मैंने नोट किया कि 5-6 अधिकारी जो आए नहीं, जिन्होंने ना तो इतला की ना वो आए, तो ये डेफिनेटली उनके पार्ट पर ग्रॉस नेग्लिजेंस है, और इसका एक्शन हम लेंगे ताकि कोई भी कोताही ना बरती जा सके। तो लेकिन आज की जो जहाँ तक कंप्लेंट्स थी, 19 कंप्लेंट्स थी, 8 पुरानी थी और 11 नई थी। तो जो पुरानी 8 कंप्लेंट्स थी वो पूरी की पूरी हमने डील कर ली हैं, बाकी जो 11 नई कंप्लेंट्स थी उसमें 4 कंप्लेंट्स को हमने पेंडिंग रखा है, 7 कंप्लेंट्स को हमने दूर कर दिया। अलग अलग तरह की थी, कोई पानी की थी, कोई नाजायज़ कब्जे की थी, कोई माँ बाप की सेवा ना करने की थी, इस तरह से अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स थी, कुछ में दो भाइयों का आपसी झगड़ा था। तो ऐसे सभी कंप्लेंट्स को आज हमने दूर किया, और उसके बाद जो ऑनरेबल ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर्स थे उनकी भी बात सुनी, और उसके अलावा कुछ लोग नए लोग भी आए थे तो उनकी भी दरख्वास्त हमने ली है, उस पर भी उचित कार्रवाई हम करवाएंगे। मंत्री जी, आप ग्रीवेंसेस के चेयरमैन हैं, क्या उन अधिकारियों को सख्त आदेश रहेगा जो लोग बैठक में नहीं हैं? उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उनमें वैसे 8 फरियादी आज नहीं आए हैं, तो हाँ, ये आज थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा, तो कुछ लोगों ने कहा कि आज मीटिंग 10 बजे थी, पर मैं नहीं समझता कि आज के मौसम के हिसाब से 10 बजे कोई जल्दी का टाइम है। पर फिर भी अब हो सकता है उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है वो सेटिस्फाइड हो गई हो, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में जब लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि जाकर भी क्यों तकलीफ ली। तो भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई दबाव में ना आया, लेकिन अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। कोरोना भी फैल रहा है, गाइडलाइन हो सकता है, ये भी एक कारण। मुख्यमंत्री जी पलवल में 3 दिन का प्रवास कर रहे हैं जन समाज के द्वारा। अरे तो जनता के आदमी है ना, जनता में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हम सभी लोग रहते हैं जनता में। मैं अपने इस मंत्री का जो मेरा विभाग है इसमें आज कुरुक्षेत्र की मीटिंग लूँगा अभी, और ये मेरा 15वां जिला, आप देखिए ना, हम लोग संघ के लोग हैं, हमें पता है प्रवास क्या होता है। तो ऐसे हर जिले में जाकर वहाँ की कंप्लेंट्स पूछना आज तक कभी किसी ने किया क्या? आज 15वां जिला है, और 8-10 दिन में मैं पूरे 22 के 22 जिलों में दौरा कर लूँगा, 22 के 22 जिले, और 88 हमारी ULV हैं, पूरे 88 ULV का लेखा जोखा मैं ले रहा हूँ इन मीटिंग में। कोरोना फैल रहा है, उसकी गाइडलाइंस के लिए निश्चित करने के लिए कोरोना फैल रहा है, उसकी गाइडलाइंस उसकी सब पूरी जनता को पता है, हमने भी ये रखा हुआ है, जहाँ ज़रूरत होती है तो लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। आपके माध्यम से भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, और आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी इसका ध्यान रखें। मंत्री जी, जैसे नगरीय परिषद है या नगर पालिका है, वहाँ NDC लेने के लिए बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि वहाँ पैसे दिए बगैर मिलती नहीं है, या दूसरे और काम है, इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, कहते तो बहुत लोग हैं कि पैसे लेते हैं पैसे लेते हैं, मुझे इस महकमे में आए 15 महीने हो गए, लेकिन मुझे आज तक किसी ने लिखकर ये नहीं दिया कि फलाने व्यक्ति ने मुझसे पैसा लिया। अब आपने भी कह दिया, मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ कि आप किसी एक व्यक्ति की कंप्लेंट लाइए और उसमें ये लिखकर दीजिए भी फलाने व्यक्ति ने मेरे से 200 रुपये लिए, फिर मैं जानूँ और मेरा काम जाने। लेकिन ऐसे ब्रॉडली कहकर, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन हमें एक्शन लेने पर कई दफ़ा दिक्कत आती है। मंत्री जी, आप पार्किंग के लिए मार्किंग की एक मॉडल बनाना चाह रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि बढ़ क्यों नहीं, आप आइए हिसार में, आइए आप रोहतक में, जाइए आप करनाल में, जाइए यहाँ कुरुक्षेत्र में भी जरूर पार्किंग की मार्किंग करवा रहे हैं। 60,000 डब्बे 4-व्हीलर के हमने बनाए पूरे प्रदेश में, और 60,000 जो मोटरसाइकिल के लिए 4x8 के डब्बे हमने पूरी स्टेट में बनाए। ग्रीवेंसेस की मीटिंग में आने से पहले आपने ब्रह्मपुर के आसपास निरीक्षण किया है, क्या कुछ खास देखा आपने? नहीं, वो वहाँ वो दीवार बनाने का उन्होंने शिलान्यास रखवाया है, तो वो हमने रखा है। धन्यवाद।